Greetings to you all in the name of the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबका अभिवादन करता हूँ. This is Saturday after Good Friday. और ये वो शनिवार है जो भले शुक्रवार के बाद आया है. We have been considering the topic of man's three greatest needs. और अगर आपको याद हो तो इस हफ्ते हम मनन कर रहे हैं एक शीर्षक या एक बात के ऊपर जिसका शीर्षक है मनुष्य की तीन सबसे बड़ी जरूरतें. The first need is man always had a great desire to know God. और पहली वो सबसे बड़ी जरूरत या मुख्य जरूरत थी कि मनुष्य के अंदर हमेशा से एक बड़ी और मजबूत इच्छा है कि वो जाने परमेश्वर कौन है. And the second greatest need is man has always struggled with the burden of sin. और सबसे मुख्य या बड़ी आवश्यकता या जरूरत है कि ये पाप का बंधन कैसे हटेगा. So the salvation from sin is man's second greatest need. और इसलिए याद रखिए उद्धार जो पापों की क्षमा से मिलता है वो मनुष्य की दूसरी सबसे बड़ी आवश्यकता या जरूरत है. What is the third need? मनुष्य की तीसरी सबसे बड़ी जरूरत क्या है? Man always wanted to get along well with others. मनुष्य हमेशा से ही दूसरों के साथ अच्छे से रहकर रहना चाहता है. Now, man thinks मनुष्य को लगता है money is his greatest need, कि पैसा उसकी सबसे बड़ी जरूरत, health is his greatest need, स्वास्थ्य उसका सबसे बड़ा जरूरत है, happiness is his greatest need, और खुशी उसकी सबसे बड़ी जरूरत. My friends, these are not the greatest need. मेरे मित्रों, ये सबसे बड़ी महानता या जरूरतें नहीं है. For example, उदाहरण के how can you have happiness unless you learn to live together, get along with others? और कैसे आपको खुशी मिलेगी जब तक आप दूसरों के साथ रहना और उनके संग चलना पसंद ना करें. So man always wanted to get along well with others. और इसलिए मनुष्य हमेशा से ये चाहता है कि वो दूसरों के संग या दूसरों की नजरों में अच्छा बना. But somehow, लेकिन किसी तरीके it doesn't seem to be possible. ये संभव नहीं लगता. No matter how much you try. ये मायने नहीं रखता आप कितनी कोशिश करते. While men are trying hard to bring the whole world into one government. जबकि मनुष्य पूरी कोशिश कर रहा है, बहुत परिश्रम कर रहा है कि पूरे मनुष्य को एक सरकार के अंदर ले आए. One religion, एक धर्म, and one economy, और एक आर्थिक व्यवस्था. The chasm is widening between religions, लेकिन वो जो धर्मों के बीच में जो अंतराल है वो बढ़ता चला जा रहा है. And nations, और देशों के बीच में जो अंतर है वो बढ़ता चला जा रहा है. And widening our relationship between politics, और जो राजनेता हैं उनके बीच का जो अंतर है बढ़ता चला जा रहा है. That is the problem. और यही समस्या. The more we try, जितना हम ज्यादा कोशिश करते हैं, the more we are further away from realizing these, उतना ही ज्यादा हम अलग होते जा रहे हैं सत्य को समझने से. Men are more like enemies. मनुष्य अब तो शत्रुओं के समान बन गए हैं. There is no true friend. और एक सच्चा दोस्त अब कोई नहीं. The situation is so bad, somebody said. परिस्थिति इतनी खराब है कि किसी ने इस प्रकार कहा. I cannot trust anybody. मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता. And I cannot trust even my own shadow. और मैं अपनी परछाई तक पर भरोसा नहीं कर सकता. That is the situation we are in. और ऐसी परिस्थिति में हम जी रहे हैं. Whom do we trust? हम किस पर भरोसा करें? Nobody. किसी पर भी नहीं. Someone who seemed to be so close to us. और एक ऐसा जो हमारे बहुत करीब लगता था. And seemed to be walking hand in hand. और जो हमारे हाथ से हाथ और कंधे से कंधा मिलाकर चलता था. The same person may be carrying a knife to stab me. और वही मनुष्य हो सकता है कि अपने हाथों में चाकू लेकर तैयार हो कि पीछे से मुझे मार दे. That is the condition. यही परिस्थिति है. There is selfishness. और यहाँ पर स्वार्थ आ गया. And greed. और लालच. And pride. और घमंड. Separating humanity from one another. और जो मनुष्य को एक मनुष्य को दूसरे से अलग कर रहा है. Sin has not only separated man from his creator God. और पाप ने ना केवल मनुष्य को उसके रचयिता से अलग कर दिया. It is also separating men from each other. लेकिन ये मनुष्य को भी एक दूसरे से अलग कर रहा है. Look at what sin is actually doing. और देखिए कि पाप क्या कर रहा है. Oh, one shooting here.
और एक शूट करना यहाँ पर, another shooting there, वहाँ पर दूसरी जगह पर गोली मारना, one husband murdering his own wife, और एक पति खुद अपनी पत्नी को मार देता, for another woman, दूसरी स्त्री के लिए, how sad, और कितना दुखद है ये, what is happening in the world is mind-boggling and unbelievable. और जो बातें संसार में हो रही हैं वो अविश्वसनीय हैं. And another killing his wife. And carrying the body in a suitcase. और एक दूसरी जगह पर एक पति अपनी पत्नी को मारकर उसका शव एक सूटकेस में लेकर जा रहा है. And dumping the body in a ditch. और एक गड्ढे में उस शव को डाल देता है. Reason? कारण? No reason. कोई कारण नहीं. But why? लेकिन क्यों? Couldn't just simply get along. क्योंकि वो एक साथ नहीं रह सकते थे. Nothing can set you free from this one. और कोई भी बात आपको इस प्रकार से अलग नहीं कर, इससे आजाद नहीं कर सकती. You know, D.L. Moody, one of the greatest evangelists in the 19th century. और D.L. Moody जो 19वीं सदी के बहुत बढ़िया और बहुत जाने माने और प्रसिद्ध सुसमाचार प्रचारकों में से थे. His observation is. और उन्होंने इस प्रकार से कहा. Even education will not solve this problem. कि शिक्षा भी समस्या को दूर नहीं कर सकती. Before just illiterate. Poor people going around stealing some nuts and bolt. पहले तो होता था अशिक्षित लोग इधर उधर जा करके स्टील या छोटे छोटे पार्ट्स को चोरी करते थे. But now the education is great. लेकिन अब शिक्षा तो काफी बढ़ गई है. What is the result? और उसका परिणाम क्या? Education is producing more and more educated, sophisticated criminals. ये शिक्षा ज्यादा से ज्यादा शिक्षित गलत काम करने वालों को पैदा कर रही है. You need, do you need any more proof to the reality of sin? क्या आप पाप के प्रति किसी और दावे को देखना चाहते हैं? And demonic activities? या दुष्टात्माओं के कार्यों के प्रति? All of us are affected. हम में से हर एक इससे ग्रसित है. You are either a villain or a victim. या तो आप एक उसके विरोध में हैं, या तो वो आपका शोषण कर रहे हैं. Let us be simple enough. होने दे हम साधारण. To admit we need a savior. हम साधारण रूप से इस बात को कहें कि हाँ हमें एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता. Who can save us? जो हमें बचा सकता है. Who can change man and make him a new creation? जो मनुष्य को बदल सकता है और उसे एक नई सृष्टि बना देगा. Let us admit the fact. और इस बात को हम माने. Religion cannot do. धर्म इस बात को नहीं कर सकता. Religion is producing more and more haters of other religion. क्योंकि धर्म तो ज्यादा से ज्यादा घृणा करने वालों को पैदा कर रहा है. Education cannot do it. और शिक्षा नहीं कर सकती. Philosophy cannot do it. तर्क वितर्क इस बात को नहीं कर सकता. What can then save mankind? और इसलिए कौन सी ऐसी बात है जो मनुष्य को बचा सकती है? Christ answers the question. और यीशु उस सवालों का उत्तर है. The message of the angels to the shepherd. और स्वर्गदूतों का संदेश जो उसने चरवाहों को दिया. On that Christmas night. और उस क्रिसमस के रात्रि में. Peace on earth. कि इस पृथ्वी पर शांति बने. And goodwill among men. और मनुष्यों के बीच में भला एक दूसरे के. By the coming of Christ into this world. और प्रभु यीशु मसीह के इस संसार में आने के द्वारा. And from the world into our own hearts. और संसार में आने के द्वारा हमारे हृदयों में आने से. We can be changed. हम बदल सकते हैं. That is the message of the Bible. और यही संदेश है बाइबल या पवित्र शास्त्र का. Here are your answers, my friends, to your greatest needs. और यहाँ पर मेरे मित्रों आपकी सबसे बड़ी जरूरतों के प्रति उत्तर को हम पाते हैं. Want to know God? क्या आप परमेश्वर को जानना चाहते हैं? Christ is the answer. और यीशु मसीह वो उत्तर है. Want to be saved from sin? क्या आप पाप से बचना चाहते हैं? And born anew to be reconciled to a holy God? और आप फिर से नए बन करके एक पवित्र परमेश्वर से मेल मिलाप करना चाहते हैं? Christ is the way. ओ यीशु ही is the answer. वही यीशु ही उत्तर है. Want to live in harmony, peace and love? क्या आप भाईचारे में शांति में और प्रेम में रहना चाहते हैं? Jesus Christ is the answer. यीशु मसीह ही इसका उत्तर है. The truth is, सच्चाई तो ये है. He is the only answer. वही सिर्फ
एकमात्र उत्तर है। There is no other way to know God। कोई और दूसरा रास्ता नहीं जिसके द्वारा हम परमेश्वर को जान सकते। There is no other way to be saved। कोई और दूसरा मार्ग नहीं जिसके द्वारा हम बचाए। There is no other way to peace on earth। कोई दूसरा और मार्ग नहीं जिसके द्वारा पृथ्वी पर शांति आ सके। Jesus Christ is the answer to your life's questions। यीशु मसीह ही आपके जीवनों के तीन सबसे बड़े सवाल और जरूरतों का उत्तर है। Let us come to him। और उसके पास हम आ जाएं। And let him be born in us। और होने दे वो हमारे जीवनों में हमारे हृदयों में जन्म ले। To be our God whom we worship। हमारे परमेश्वर के रूप में जिसकी आराधना हम करते। To be our peace through whom we may live in love and unity। ताकि वो हमारा शांति बनने पाए जिसके द्वारा हम प्रेम और एकता में रहने पाए। This is the answer। ये है वो उत्तर। Remember what Jesus said। याद रखिए यीशु ने क्या कहा। I am the way, the truth and the life। कि मैं ही सत्य मार्ग और जीवन हूँ। No one can come to the Father but by me। कोई भी पिता के पास नहीं आ सकता सिर्फ मेरे ही द्वारा। Don't keep running। और इसलिए दौड़ना बंद कर दे। Don't keep going on pilgrimages। और तीर्थ यात्राओं पे जाना you और जाते रहना आप छोड़ दे। You offer a million or a billion candles in a temple। और या एक मंदिर में आप लाखों या करोड़ों मोमबत्तियां जला दे। Your heart will remain the same wicked। आपका हृदय वही दुष्ट बना रहेगा। Come to Jesus। यीशु के पास आ जाओ। Let him come in। और होने दे वो आपके हृदयों के भीतर। Take control of your life। और आपके जीवनों का नियंत्रण। Change you। और आपको बदल दे। Make you a new creation। और आपको एक नई सृष्टि बना। That you may live a new life। ताकि एक नया जीवन आप जिए। A life of peace and love and harmony। और एक जीवन जो शांति भाईचारे। This is new life in Christ। और यही है एक नया जीवन प्रभु यीशु मसीह में। God bless you। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। My Lord and my God। हमारे पिता और परमेश्वर। Thank you for this message। धन्यवाद इस संदेश के। Thank you for this revelation। धन्यवाद इस प्रकाशन के। Those who hear this message। होने दे जो सब इस संदेश को सुने। None will be lost। कि इनमें से एक भी खोने ना। They all will come to know Jesus। वे सब तुझे जानने पाएं। And be changed and be new creation। और वो बदल जाएं और नई सृष्टि के स्वरूप। And be filled with your spirit। और तेरी पवित्र आत्मा से भर जाएं। Thank you। धन्यवाद। Amen। Amen। God is good। परमेश्वर भला है। And he wants the best for you। और परमेश्वर आपके लिए सबसे उत्तम चाहता है। Amen। Amen।